उन्नाव कोचिंग जा रही बच्ची से रेप की कोशिश के साथी छात्रा ने किशोरी की बचाई जान। छात्रा को भी युवक ने जान से मारने की दी धमकी। छात्र युवक के पास था धारदार चाकू। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें छात्रा को भी युवक ने जान से मारने की धमकी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युवक के पास था धारदार चाकू। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देख सकते हैं जैसे कि आप साथी छात्र ठीक पूरा एरिया कवर करके पड़ी ऊपर। हाँ हमारे संवाददाता अश्वनी अवस्थी हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मामले को, जिस प्रकार से पूरे देश में देखा जा रहा है जो बच्चियां हैं जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। यहाँ एक छात्रा अपने ट्यूशन जा रही थी, अपने कोचिंग जा रही थी पढ़ाई करने, और बीच रास्ते में उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत, आप किस तरीके से देखते हैं? प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर है इसी वजह से ऐसे मनचलो लड़कों का, जो हम कहें कि एक उनका विश्वास या कहें कि उनको जो अपराध को लेकर उनकी प्रेरणा बढ़ती रहती है। देखिए आपको बता दूं, ये पूरा मामला हसनगंज का है, जहाँ एक सुबह एक छात्र भी होता है जो कि उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसी दौरान ग्रामीण लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और उस युवक को पकड़ के पीटते हैं। पीटने के बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है डायल 102 पे, उसके बाद में पुलिस पहुंच के उसको हवाले कर देता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो लड़कियां हैं कोचिंग जाने वाली, स्कूल के बच्चे हैं, तो वहां पे डरे हुए हैं। जी अश्वनी, उन्नाव में ही इससे पहले भी इतना बड़ा हादसा हुआ जो पूरे देश में लाइमलाइट रहा था मामला, अब ऐसे में उन्नाव में ही एक युवक ऐसे छात्रा के साथ बीच रोड पे, इतना गट्स कैसे है? कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी देखा जाए इसको। जी बिल्कुल, प्रशासन और प्रशासन की अगर बगैर से बात की जाए तो यह पूरी तरीके से एक माहौल जो है खराब चल रहा है, जिसके बाद भी कोई भी किसी प्रकार की इसमें कसर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से युवतियां डरी हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ी पुलिस विभाग की लापरवाही है जो कि खुलेआम इस तरह के सौदे, इस तरह के कदम उठाते हैं। उसके हाथ में धारदार चाकू भी थी, जिसके चलते वो उसके ऊपर प्रहार करने की भी कोशिश करता है, मगर वो ग्रामीण लोग उसे बचा लेते हैं। मगर तब भी ये कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि प्रशासन तरफ बड़ी लापरवाही और ये बहुत गलत ही चीजें हैं। जी तो अश्वनी, अभी तक किसी अधिकारी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई बात आई या पुलिस की तरफ से किसी ने कुछ कहा है इस पूरे मामले पर? अधिकारी से बात करने की हमने कोशिश की है, अधिकारी का वही क्वेश्चन है। हाँ, मामला संज्ञान में आया है, जांच करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे, मगर कोई एक पुख्ता ऐसी इंतजाम करने की बात नहीं की कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की तरफ से एक बड़ी लापरवाही दिख रही है। जी अश्वनी, ये तो पूरी लापरवाही का ही मामला। तो वहीं अगर बात करें कि जो युवक है और जो छात्रा जा रही थी, उनके परिवार वालों से आपने बात करने की कोशिश की, उनके परिवार की तरफ से क्या आपको बात सामने आई है? परिवार वाले भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और इन सब वारदातों को देखते हुए अपने घर से अपनी बच्ची को कह रहे हैं कि कैसे मैं निकालूं, कैसे पढ़ाऊं, ये चीजें सामने आई हैं। और उस अगर बात की जाए, वो गांव का ही रहने वाला युवक है जो कि उस लड़की के ऊपर काफी दिन से उसको परेशान कर रहा था और उसके साथ में घूमने और चीजें के लिए उसे फोर्स कर रहा था। इस चीजों को देखते हुए घर वालों का साफ तौर से कहना है कि उसको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और सजा मिलनी चाहिए। जी जी जिस प्रकार से छात्रा अपने ट्यूशन जा रही थी और उसके बीच युवक ने उस पर हमला किया, तो जैसे कहा जा रहा है कि धारदार हथियार भी था युवक के पास, तो क्या जो छात्रा है, जो उसका साथी था छात्र, उन दोनों को किसी प्रकार की चोट आई है? देखिए चोट की अगर बात की जाए तो कोई भी चोट ऐसी नहीं आई है जिससे उसे आज, मगर हाँ उसी वक्त जो छात्र अगर ना होता तो चोटें अच्छी लड़की को आ सकती थी, क्योंकि छात्र उसका जो दोस्त है उसने उसकी जान खुल के बचाई है। उसके बाद में जब हंगामा पैदा हुआ तो ग्रामीण वहां पर पहुंचे, तो इस वजह से बच्ची सुरक्षित है। जी अश्विनी, ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो गाँव के लोग हैं वो लोग इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वो भी कहीं ना कहीं डरे होंगे क्योंकि पूरे गाँव में भी सभी की बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी, बहनें होंगी, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस घटना से डर होगा। नहीं होती है इस बात को लेके ग्रामीणों में भी रोष है और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ऐसी जगहों पे कोचिंग है, स्कूल है, जो भी हमारे एरिया है जिनमें। अश्विनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ने के लिए।